चांद ग्राम पंचायत में गंदगी का साम्राज्य है सब पूरे गांव में गंदगी फैली हुई है बीमारियों का बोल वाला है कोरोना का पेशेंट कितने यहाँ पर देहांत हुए डेंगू से दो लोगों की मौत हुई ग्राम पंचायत की कोई तवज्जो नहीं है साफ सफाई की तरफ ग्राम पंचायत का नाम कलागुर का तो साम्राज्य है यहाँ पर पंजाबी ग्राम पंचायत का नाम आना चाहिए ना उसमें हाँ? ग्राम पंचायत कार्यालय वो बोर्ड दिखना चाहिए ऐसा ये देखो ग्राम पंचायत के पास में ही दोस्त हेलो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन में आपको तीन हिस्सों में वीडियो डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है आपके सामने चांदोर बिश्वा तालुक का नांदोरा डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना ये गांव के आपके सामने कुछ आ, एक तरीके से नालिया की गंदगी और एटीएम से लेके सफाई के जो आ, वीडियोस क्लिप है वो आपके सामने प्ले हो रही है अब आपको इसके बताना चाहते हैं इसलिए प्ले हो रही है आपको बताना चाहते हैं कि चांदर बिशवा के जो हालात है किस तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं आप देखोगे आप सबसे पहले आपको ए का मुद्दा नज़र आ रहा है जिसमें आपको ए के अंदर बहुत सारी घान और कचरा नज़र आ रहा है दूसरी हिस्सों में आपको नालियों की वीडियोस प्ले हो रही है जिसमें नालियों में बहुत सारा कचरा और घान जमा है अब इस नालियों के कचरों की वजह से अभी फ़िलहाल तो कोरोना वायरस चल रहा है ऐसी गंदगी बिल्कुल अलाउ नहीं है जिसकी वजह से बीमारियाँ भी काफ़ी पैदा होती है दूसरी बात अगर नालियों में कचरा रहेगा तो बरसात का पानी उसमें जमा होगा जिसकी वजह से मच्छर पैदा होंगे और मच्छर पैदा होने की वजह से डेंगू की शिकायत भी पैदा होंगी अब आप देख सकते हो चांद्र विश्व के कई वार्ड के ये वीडियो है जिसमें बहुत सारे नालियों में गंदगी कचरा वगैरह जमा है अब आप देख सकते हो किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है अब आपके घर कुछ लोग इसको अपने घरों के सामने से निकालते हैं लेकिन वो भी मजबूर है इसको निकालने के लिए क्योंकि कोई काम आकर करता नहीं है जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा भरा हुआ है अब आप देखोगे यहाँ पर कितना सारा पानी इसमें जमा हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ वजूद में आती है अब बीमारियाँ वजूद में आएंगी तो बहुत सारे जो लोग हैं बहुत से लोग जो है वो वीक है थोड़े कमज़ोर है जिनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा सके बहुत से लोग जो है हमारे गाँव में बहुत से लोग आ, डेंगू के शिकार भी हुए हैं बहुत से गरीब लोग भी हुए उनको काफ़ी ज़्यादा हालात और मजबूरी का सामना करना पड़ा अब डेंगू जैसी बीमारी से कोई अगर गरीब जूझता है तो वो पैसे कहाँ से लाएगा हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए डेंगू का इलाज बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से गरीब को ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है उसी तरीके से आप देख सकते हो नालियों में बहुत ज़्यादा कचरा वग़ैरह जमा होता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपको पहले ही बताया है कि काफ़ी सारी बीमारियाँ जो है वजूद में आती हैं अब ये हिस्सों में आपको चांदो विश्व के कई वीडियोज़ हैं जो प्ले होते हुए नज़र आ रहे हैं अब आप ख़ुद देख गौर कीजिए कि किस तरीके के चांदो विश्व के हालात है चांदुर विश्व तालुक का नांदोड़ा डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना के वार्ड के ये कुछ वार्ड के वीडियोज़ हैं जो आपके सामने प्ले हो रहे हैं एक छोटी सी वजह नालियों की गंदगी की आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले आपके घरों में हर एक घर में अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे आपको दिखे दिखाई ही देंगे असल में नालियों में पैदा होने वाले जो मच्छर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं जिसकी वजह से छोटे बच्चों को मलेरिया की शिकायत भी हो सकती है अब आप जानते हैं छोटे बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है छोटा होता है जिसकी वजह से उनकी इससे जान भी जा सकती है आपने देखा होगा कई सारे पेशेंट्स जो है मलेरिया के वजह से आ, दुनिया में ज़्यादा तादाद जो है मरने वालों की मलेरिया की वजह से भी होती है मलेरिया जो बीमारी है बहुत ज़्यादा डेंजरस है जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है और छोटे बच्चों पर ज़्यादा इफेक्टिव है जिसकी वजह से छोटे बच्चों की जान भी जा सकती है अब आप देखोगे नालियों में इस तरह से कचरा भरा हुआ है तो छोटे बच्चों पर जो मच्छर का अटैक है वो ज़्यादा होगा आपके घरों के सामने जो नालियाँ है आप देख सकते हो उसमें कितना ज़्यादा कचरा भरा हुआ है जिसकी वजह से मच्छर पैदा होंगे और आपको बीमार से आपने स्वच्छ भारत का नाम तो सुना होगा स्वच्छता अभियान जो चल रहा है क्या ये टीवी की हद तक ही है या फिर अखबारों की या न्यूज वालों की हद तक ही है आप देखोगे ये जो काम है गवर्नमेंट सर्वेंट का है जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका काम है कि नालियों को साफ करें असल में दो दो तीन तीन चार चार महीनों में भी नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं कभी कभी तो साल निकल जाता है लेकिन नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं तो ये काम जो है गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का है एम्प्लॉय का है कि वो जल्द से जल्द आके नालियों को साफ़ करे और जो नालियों की कंडीशन है उसको बदले अब एक साधारण आदमी क्या नालिया निकालेंगे या फिर उसका पेट भरेंगा आप जानते होंगे सब मजदूर है जो कि रोज़ कमाना और रोज़ खाना जानते हैं अब ये आदमी जो है नालियाँ निकालेंगे या फिर कमाने के लिए जाएंगे अगर वो नालियाँ निकालेंगे तो फिर उनके घर पर कमाने वाला कौन होगा जो उनके बच्चों की और उनके पेट भर सके तो आप जानते हैं ये काम किसका है गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंप्लॉ, एम्प्लॉय का है वो जाकर इसको साफ़ करे नालियों को वापस से उसकी दुरुस्ती कराए और उनकी जो कंडीशन है वो रियल में बदले नाले की पोषण बहुत ही भरती है गलत है ख़राब है और डेंगू की शिकायत ज़्यादा चालू है ग्राम सेवक से बात करो तो बोलता है कि मैं मेरे बाप से डरता नहीं तो मेम्बरों से क्या डरो इस पर इस पर अंदाज दिखता है कि वो बीडू से भी डरता नहीं बीडू साहब ने इस पर नज़रअंदाज करना नाले की पोषण आपके स्पॉट पर देख के इंक्वायरी करना इसकी ग्राम सेवक मैं राष्ट्रवादी का सरचिटनिस जिले का ये मेरे को दोष मार रहा है कि मैं बा, मेरे बाप से डरता नहीं तो मेंबरों से तुम्हारे पद वालों से क्या डरूंगा इस पर बी साहब ने भी गौर करना चाहिए और आमदार साहब ने भी इस पर इंक्वायरी करना चाहिए